चलिए दोस्तों, इस समय हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे हैं और हम पार्ट टू का ही अपडेट ला रहे हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जो पार्ट थर्ड यानी ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से लेकर इस गाज़ियाबाद के लाल कुएं तक की, और अब हम उसका पार्ट टू यानी अपडेट करके ला रहे हैं। और जहाँ पर ये वीडियो हमने समाप्त की थी, वहीं से ये वीडियो दोबारा से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो होगी ये गाज़ियाबाद के लाल कुएं से लेकर नोएडा के सेक्टर 62 तक की, ये हमारा सेकंड अपडेट होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल पर नया हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, जो हमने पहले वीडियो डाली थी पहले, उसका एक रिकैप देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर। तो दोस्तों, जो हमने अपनी पहली फर्स्ट पास्ट में यहीं से वो वीडियो स्टार्ट करी थी, और ये फरीदाबाद गुरुग्राम के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, यही गाज़ियाबाद के लिए भी जा रहा है दोस्तों रास्ता। और ये जो है, ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये चौथा पार्ट है और यहीं तक थर्ड पार्ट का एंड है। और यहाँ से आगे जब शुरू होता है तो वो पार्ट टू स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ये देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन बुलडोजर सड़क को रोल कर रहा है। और ये देखिए, वेव सिटी का एरिया जो ये पार्ट टू में ही आता है। और दोस्तों, ये गोविंदपुरम का एरिया जहाँ पर ATS, राइज और कई सारे बिल्डर आ रहे हैं, और हम इस समय लाल कुएं के बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं। और ये सारा जो एरिया है वो लाल कुएं का है। तो चलिए दोस्तों, आपने अभी रिकैप देखा इससे पहले की जो हमारी फर्स्ट अपडेट था, और हमने दो पार्ट में बनाया था। तो फर्स्ट पार्ट वो था, अब ये सेकंड पार्ट है जहां हमने उस वीडियो को ख़त्म करा था लाल गाज़ियाबाद के लाल कुएं तक। तो वहीं से हम अब इस वीडियो को अपडेट टू के रूप में दोबारा से आपके सामने ला रहे हैं। और ये देखिए, हम लाल कुएं के आगे आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, इसमें इस लाल कुएं से लेकर नोएडा एक्सटेंशन का अभी काम लगभग 40% से ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस पर काम चल रहा है। आप देखिए, इस समय दोनों तरफ कुछ भी नहीं हुआ है, काम तो चल रहा है, नीचे मिट्टी डल रही है। ये सामने आप मेरे राइट हैंड पर देख रहे हैं, ये मिट्टी ऊपर डल गई है, और सामने वो ड्रिल मशीनें दिख रही होंगी आपको। तो इस पर यही पैच बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस पर रेलवे की लाइन है। ये जो आपको ड्रिल मशीन दिख रही है लेफ्ट हैंड पर, और ये देखिए, ये रेलवे का ब्रिज है जो दिल्ली कानपुर रेलवे लाइन है। तो दोस्तों, ये इसी की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर अभी ब्रिज बनना बाकी है और इस पर काम चल रहा है, और क्रॉसिंग से आगे भी काम चल रहा है। तो हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, अभी और भी अपडेट हम इस पर बता के रहेंगे कि पिछली वीडियो जब हमने बनाई थी तो उसमें क्या था और इस वीडियो में क्या अब नया हो चुका है। तो जुड़े रहें दोस्तों हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, इस समय हम क्रॉसिंग के बिल्कुल पास आ चुके हैं, और यहाँ भी अभी देखिए काम
दोनों तरफ अभी होना बाकी है। तो दोस्तों ये एक लंबा पैच है जो नोएडा स्टेशन तक है, इस पर सड़क कहीं कहीं बनी है और कहीं कहीं काम रह रहा है। अभी आगे कई अपडेट हम आपको देंगे और बहुत सी चीज़ें इस पर नई भी हुई है और काम तेज़ी से चल रहा है, ऐसा नहीं कि काम रुका हुआ है। और गवर्नमेंट बहुत तेज़ तरीके से इसका काम समाप्त करना चाहती है और लिमिटेड पीरियड में। चलिए दोस्तों एक ये पैच देखिए, इसे पूरी तरीके से बना लिया गया है। ये पहले नीचे जो रोड थी, पिछले 2 हफ्ते पहले हम इसके नीचे रोड थी उसे खोद दिया है और ये नया पैच बनकर तैयार करा है, इसलिए हम इसके ऊपर से जा रहे हैं और इसे फ़िलहाल खोल दिया गया है। और नीचे ये आप गड्ढा देख रहे होंगे, पूरी रोड थी NH24 थी जो पूरी तरह खोद दी गई है और ये मिट्टी से अब भरी जा रही है जिससे इसके ऊपर भी रोड बन सके। ये जो पूरा पैच देख रहे हैं ये गाज़ियाबाद के विजयनगर कट का तैयार किया गया है और ये एक नया अपडेट है दोस्तों इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर और हमारी इस वीडियो में। ऐसा नहीं है दोस्तों कि काम नहीं चल रहा, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। सिर्फ ये 2 हफ्ते पहले हम इसके नीचे से गए थे और 2 हफ्ते बाद हम ये जो इन्होंने जो पैच पूरी तरह तैयार कर दिया है उसे खोल दिया है और नीचे की सड़क को खोद चुके हैं तो वहाँ अब मिट्टी डल रही है। और देखिए हम विजय चौक के करीब पहुँचने वाले हैं और ये विजय चौक सामने आपको दिख जाएगा और वो सामने देखिए मेरठ की तरफ जाने वाली रोड, इस समय हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा काम पेंडिंग पड़ा है आप सामने देख सकते हैं और अब इस रोड को वो सामने वाली रोड में जोड़ा गया है नीचे उतार कर। और ये जो लेफ्ट हैंड पर है इस पर अभी सड़क बननी बाकी है तो ये थोड़ा थोड़ा करके पैच को तैयार कर रहे हैं, जैसे अभी ये थोड़ा पैच तैयार करके बनाया था। तो देखिए रोड सही नहीं होने के कारण थोड़ा ये ट्रैफिक की समस्या सामने आ रही है और हम सामने वाले रोड पर जा रहे हैं। ये जो आमने सामने आप घर देख रहे हैं रोड के इस तरफ और रोड के उस तरफ, घनी आबादी होने के कारण इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बनने में एक बहुत बड़ी अड़चन का इसका भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग उस तरफ जाना या इस तरफ जाना होता है तो वो इसी रोड के ऊपर से होकर गुजरते हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रही है। दिन और रात यानी 24 घंटे इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं आपको बता दूं सिर्फ लाल कुएं से नोएडा एक्सटेंशन का पैच, अब ये देखिए सामने गाड़ियां खड़ी है और आगे जाम है कंस्ट्रक्शन के कारण, ट्रैफिक स्लो हो गया है। तो दोस्तों लाल कुएं से नोएडा एक्सटेंशन का ये जो पैच है ये अभी पूरी तरह अंडर कंस्ट्रक्शन है और यही इस पार्ट 2 में सबसे बड़ा रोड़ा है। और ये सामने देखिए ये मिट्टी डाली जा रही है, मिट्टी को रोल किया जा रहा है, देखिए ये मशीन रोल कर रही है।
बड़े ही बेहतरीन फुटेज आपके सामने हम ला रहे हैं, आपको ये काम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पर काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि काम रुका हुआ है दोस्तों, काम, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, काम 24 घंटे चल रहा है और लगातार चल रहा है। ये देखिए पानी के टैंकर से मिट्टी के ऊपर छिड़काव भी हो रहा है, जिससे धूल हवा में ना उड़े, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है इस एक्सप्रेसवे को बनाने में, जैसे कि पॉल्यूशन पर एक विशेष जोर दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए सामने मिट्टी के डंपर, इन्हीं डंपरों में मिट्टी भर भर कर आसपास से एरिए से लाई जाती है और यहाँ पर डाली जा रही है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए ट्रैफिक का, ये दोस्तों सामने से लोग बात क्रॉस कर रहे हैं, यानी इस तरफ के लोग उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ के लोग इस तरफ, इसी देखिए आप जाते हुए आपको दिखेंगे अगर पड़ेगा तो। हम देखिए ये सामने से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये यहाँ से लोग बाग क्रॉस हो रहे हैं, इसलिए ये जाम लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम नोएडा स्टेशन से अब कुछ ही किलोमीटर दूर रह गए हैं और सामने आपको ये प्रतीक ग्रुप की बिल्डिंग दिख रही होगी जो सिद्धार्थ बिहार में आती है। देखिए कितनी धूल उड़ रही है इस समय और हवा भी चल रही है बहुत तेज़ी से। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ध्यान उत्तर प्रदेश पर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है ये भी सेंटर की योजना है, दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन ये भी सेंटर की योजना है, और भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो जेवर में आ रहा है और वो दुनिया का तीसरे नंबर का एयरपोर्ट होगा, जिस पर एट लाइन की पट्टी होगी, यानी चार हवाई जहाज एक साथ उतर सकते हैं और चार एक साथ उड़ सकते हैं। तो दोस्तों मोदी सरकार का उत्तर प्रदेश पर बहुत बड़ा फोकस है, जो उत्तर प्रदेश को तरक्की के मामले में आगे ले जाएगा और ये भारत का आने वाले समय में एक नंबर का राज्य बन जाए तो उसमें भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना इसी प्रदेश में आ रही है। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम राजनगर एक्सटेंशन के मोड़ पर आ गए हैं और मेरे लेफ्ट हैंड पर राजनगर एक्सटेंशन है और राइट हैंड पर सिद्धार्थ बिहार और गाज़ियाबाद। तो दोस्तों हमें थोड़ा आगे चलकर घूम पर आना पड़ेगा, जैसे ये गाड़ियां भी आ रही है, और ये देखिए यहां पर काम चल रहा है और ये बहुत बड़ा पैच है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नोएडा स्टेशन से आगे आ चुके हैं और ये जो मेरे राइट हैंड पर ये सारा पूरा सिद्धार्थ बिहार है, वहाँ तक जहाँ तक वो बिल्डिंग दिख रही है, वहीं पर हिंडन का एक ब्रिज है जो लगभग बनकर तैयार है, अब उस पर काली रोड बननी बाकी है। ये देखिए मेरे लेफ्ट हैंड पर ये थोड़ा बहुत आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा होगा और इस पर भी काम चल रहा है, और आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो पूरी तरीके से रोड कंप्लीट है यहाँ से पूरे यूपी गेट तक।
तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आएंगे जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और FNG एक्सप्रेसवे के ऊपर होगी। FNG एक्सप्रेसवे वह है दोस्तों जो फरीदाबाद, नोएडा और गाज़ियाबाद को आपस में जोड़ता है और उसकी मेन कड़ी ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। तो उसके ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा फिर से, जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं कृपया चैनल को वो सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगे उस पर लाइक और डिसलाइक ज़रूर करें। दोस्तों इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं तो लाइक तो बनता ही है। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।